ये मूवी टिकट्स परी जी, यही तो हमारी दवाई। वो दरअसल डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि जब भी पेट में मरोड़ पड़े या बहुत ज्यादा दर्द हो तो फिल्म देखो। अच्छा जी, पर पेट में दर्द तो सिर्फ आपके ही है, फिर ये दूसरी टिकट किसके लिए? वो क्या है ना, डॉक्टर साहब ने हमसे ये भी कहा था कि अगर पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो तो साथ में उसे भी ले जाना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। हमारे इलाज के लिए आपका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, समझ रही है ना? सब समझ रहे हैं हम बहुत अच्छी तरह से। तो फिर हमारा इलाज करने के लिए क्या आप 3 बजे से 6 बजे तक हमारे साथ हैं? 3 से 6 बजे तक क्या, हम तो पूरी जिंदगी आपके साथ बैठ के फिल्में देख सकते हैं। लेकिन सतू जी, घर वाले क्या कहेंगे? हमारा मतलब है अभी तो बांधवगढ़ से हम घूम फिर के आए, फिर इतना सारा घर पे काम पड़ा है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इन्हें फाड़ देते ना, इनका क्या काम? अरे सतू जी, ऐसा थोड़ी काम हमने। सतू जी, हमें लगता है कि हमें माँ साहब से एक बार इजाजत ले लेनी चाहिए। हद करते हो तुम दोनों, अकल है या नहीं? और ऊपर से इतनी हिम्मत कि मुझे पूछ रहे हो कि बाहर जाए या नहीं जाए? अभी तो शादी हुई है, अभी बांधव घर से आ रहे हो और अभी घूमने जाना है? लिखा था ना सतू जी आपको, हमने हमारी बात भी सुनी। अरे क्या आप कानाफूसी चल रही है? बड़ों के सामने तमीज और लिहाज भी भूल गए हो? अगर तुम दोनों सोचते हो कि इतने काम के बीच मैं और अम्मा तुम दोनों को इजाजत देंगे, तो तुम लोग सही सोच रहे हो। यही तो समय है एक दूसरे को करीब से जानने का। जाओ जाके घूमो, खूब मौज मस्ती करो। पर सुनो, वक्त पे घर आ जाना, रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। जाओ। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ए सरोजनी बिटिया, ए थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से,
ये आमिर कोर्ट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोर्ट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, जो मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?